हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दाल बादाम का हलवा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि इसका प्रीमिक्स भी आप कैसे बना के रख सकते हैं कि जब भी आपका मन करे आपको बस ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप झटपट से बना के खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। जैसे हम घंटों दाल सेक के बनाते हैं, मैं इसका सिंपलर वर्जन लेके आई हूँ। तो सबसे पहले ये कढ़ाई, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप मूंग दाल। फिर से वही दाल है जिससे हम दाल भी बनाते हैं, बस ये मैंने 2 2 कप ले लिए। तो इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है, इसमें हम घी तेल कुछ भी नहीं डालेंगे। तो फ्रेंड्स, फ्लेम को हाई रखें और इसे लगातार चलाते रहें। फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और आपके हाथ भी ज़्यादा दर्द नहीं करेंगे, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। और ये देखिए, लगभग 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की दाल रोस्ट होनी शुरू हो चुकी है। फ्रेंड्स, 7 से 8 मिनट में हमारी दाल पूरी तरीके से रोस्ट हो जाएगी। ये देख, 6 मिनट हो चुके हैं और ऑलमोस्ट अब हमारा प्रीमिक्स या फिर मूंग दाल हलवे का प्रीमिक्स रेडी है। ये आप देख सकते हैं, लगातार इसे चलाना है फ्रेंड्स। और अगर आपको लगे कि आपकी हीट ज़्यादा है तो मीडियम फ्लेम पे आप चलाएं, दाल जलनी नहीं चाहिए फ्रेंड्स। ये देखिए, इसी तरीके से मैं बिल्कुल ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, इसमें हम घी तेल कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 8 से 10 बादाम, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं बट मैं यहाँ पे इतने ही डाल रही हूँ। तो इसे भी हम 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसे रोस्ट करके 20 से 25 मिनट हम इसे पूरा ठंडा होने तक रखेंगे और उसके बाद हम इसे मिक्सर में चला लेंगे। तो ये हमारा रेडी हो चुका है, ठंडा हो चुका है, अब हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे पीस लिया है, तो मैंने इसे हल्का दरदरा रखा है, पूरा बारीक नहीं पीसा है ताकि दाल की जो बाइट है वो हमारे मुंह में आती रहे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 1 कटोरी घी लगेगा मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए। फ्रेंड्स, इससे भी कम ही लगेगा आई थिंक। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें मैं डालूँगी उसी कटोरी से 2 बड़े चम्मच घी, ये मीडियम साइज़ का चम्मच है फ्रेंड्स। तो घी के मेल्ट होते ही हम इसमें डालेंगे हमारा जो मूंग दाल हमने पीसी थी। फ्रेंड्स, आप उसे 1 महीने तक स्टोर, 8 8 कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं, जो हमने मूंग दाल सेक के पीसी है ना, ये वाली मूंग दाल जो है इसे आप 8 8 कंटेनर में स्टोर भी कर कर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी बना रही हूँ, लेकिन आप इसे डब्बे में स्टोर भी कर सकते हैं। तो घी में हमने मूंग दाल डाल दी और जैसे हम हलवा सेकते हैं तो हल्का सा इसे भून लेंगे, वैसे तो ये ऑलरेडी सिक चुका है लेकिन अगर हम 3 से 4 मिनट इसे भूनेंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैं अच्छे से इसे मिक्स कर रही हूँ। तो आज इस मूंग दाल के हलवे को बनाने में मम्मी मेरी हेल्प कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है। तो इस स्टेज पे मैं 1 से 1.5 चम्मच और घी डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, जो हमने कटोरी, मैंने आपको घी की कटोरी जो दिखाई थी, तो बस उतना ही घी लगेगा या हो सकता है उससे भी कम भी लग सकता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
थोड़ा सा और घी डालते हुए फिर सब घी बैचेस में डालेंगे। तो अभी हमने डाला है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हलवे की भुनाई हो रही है। आ रहा है ना फ्रेंड्स मुंह में पानी, कितना डिलीशियस लग रहा है ये ऑलरेडी अभी से। और फ्रेंड्स यकीन मानिए दाल के हलवे की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनता है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो आप देख सकते हैं कि 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए ये जो बबल्स आ रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये इंडिकेशन है कि अब हमारा हलवा रेडी हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें केसर वाला दूध। फ्रेंड्स आज मेरे पास केसर नहीं था तो आज मैंने इसमें कलर ऐड किया है, थोड़े से गुनगुने दूध में मैंने इसमें कलर ऐड किया है। और आप चाहो तो इसमें केसर भी डाल सकते हो। तो इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी, आधा ग्लास जितना पानी भी ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको लग रहा है कि दूध या पानी की मात्रा कम है तो आप थोड़ी सी और बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए इसको कैसे अब मूंग दाल का हलवा पैन को छोड़ने लगा है। क्योंकि फ्रेंड्स हमारा हलवा बहुत ही अच्छी तरीके से सिकाई हुई है इसकी। तो इसमें मैं डालूँगी 1 कप चीनी। तो फ्रेंड्स हमने दो दो कप मूंग दाल ली थी तो 1 कटोरी इसमें मैं, या फिर जो भी आप मेजरमेंट के लिए कप लें 1 कप सेट कर लें, तो उसी कप से मैं 1 कप चीनी ले रही हूँ। तो अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें, तो फ्रेंड्स ये आप जो आपको थोड़ा सा डार्क कलर लग रहा है ये चीनी की वजह से आया है। तो अभी ये मिक्स होने के बाद इसका कलर बैलेंस हो जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स 1 मिनट और हो चुका है और आप देख सकते हैं कैसे हलवे ने अपना घी छोड़ दिया है। ये आप बहुत ही इजीली विजिबल है फ्रेंड्स। ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कैसे हलवे ने पूरा अपना घी छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स अब हमारा मूंग दाल का हलवा बिल्कुल रेडी है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी बादाम की कतरन, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी फ्रेंड्स। तो दाल बादाम का हलवा बनके बिल्कुल रेडी है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो? आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसी बनी। तो फ्रेंड्स अगर आप एक बिगिनर हैं तो भी आप इस रेसिपी को आराम से बना सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। ऐसे और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।